गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मंडे, सोमवार। मैं सोमवार को शिव जी की पूजा करती हूँ और इसीलिए मैं वेज खाती हूँ। तो आज मैं यहाँ पर सुबह सुबह अप्पे बना रही हूँ, जो कि बिना प्याज के। उसके बाद में मैं साथ ही साथ में खाना बनाना भी मैंने शुरू कर दिया है। मूंग दाल बनाऊँगी, तो मूंग दाल को मैंने पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया और उसको अभी पानी में भिगो के रख दूँगी। अभी चलती हूँ अप्पे मेरे बेटे को खिलाने के लिए। आज थोड़ी देर हो गई, नींद से उठते उठते 10:30 बज गए थे, तो मुझे बहुत जल्दी फटाफट काम खत्म करना होगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरी आज दिन की जो पहली स्ट्रगल है शुरू हुई ब्रेकफास्ट के साथ में। आप बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए कि बेटे को खिलाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी एनर्जी लानी पड़ती है। तो यहाँ पर उसको खिला खिला के मैं अपना भी पेट पूजन कर ले रही हूँ। और बने रहिए वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर बताइएगा। अब मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मैं दाल जो है उसको बॉईल कर लूँगी। तो इस दाल को एकदम सिंपल तरीके से बॉईल करूँगी, बस थोड़ा सा नमक, एक टमाटर, हल्दी और तेज़पत्ता डालकर इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद में आज मैं सोच रही हूँ मिक्स वेजिटेबल भी बना देती हूँ, घर पर जो जो सब्ज़ी है सारे सब्ज़ियों को मिलाकर। तो यहाँ पर मैं एक पत्ता गोभी भी ले लूँगी, और पत्ता गोभी को मैं ऐसे पोटैटो पीलर से काट लेती हूँ, तो बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स में कटते हैं, और जो भी बड़े बड़े पत्ते रह जाते हैं उसको चाकू से काट लीजिएगा। और बाकी जो जो गाजर है, आलू है, सीम है, बीन्स है जो है उनको, और मटर भी मैंने डाला था, और एक टमाटर बीन्स, सबको मिलाकर एक मिक्स वेजिटेबल बनाऊंगी। जब तक मैंने सब्जी काटा, यहाँ पर मेरे दाल जो अच्छे से बॉयल हो चुके, तो अभी मैं इनमें तड़का लगा दूंगी। तड़के के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल, उसमें 5 फ़ोरन और एक सूखी लाल मिर्च डाला है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको जितनी पानी की ज़रूरत है उतना पानी डालकर इसको अच्छे से उबाल लीजिए। और इसमें मैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक आपके स्वाद के अनुसार आप मिला लीजिएगा। मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है, अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। और यहाँ पे कुछ जो हरी मिर्चें भी डाल दिया मैंने, और 5 से 10 मिनट इसको उबाल लेंगे, उसके बाद में आपका दाल तैयार है। उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट रेसिपी उसको मैं बना लूँगी, जो मिक्स्ड वेजिटेबल काट के रखी थी उसको अच्छे से धोकर भी मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर वही 5 फ़ोरन और सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा हींग मैंने डाला है। यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ डालकर उस पर नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल के इनको अच्छे से मिला लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल कर बीच बीच में इसको हम पकाते रहेंगे, और लास्ट में गैस ऑफ करने से पहले थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसको गार्निश कर लेंगे। बस इतना ही, बहुत ही सिंपल है। और अभी ये जो काउंटर है बहुत ही गंदा हो चुका है, तो तब तक मैं ये काउंटर भी क्लीन कर लेती हूँ। आप बने रहिए मेरे वीडियो में, और बताइएगा ज़रूर हमारी जो बंगाली रेसिपी आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपने बनाया हो। अगर अभी तक के मेरे जितने भी ब्लॉग आपने देखा है, अगर उससे कोई भी अगर रेसिपी बनाई हो तो ज़रूर बताइएगा। कंप्लीट हो चुकी है, दाल बनाया, मूंग दाल बनाया और मिक्स वेजिटेबल और चावल बस। और अभी यहाँ पे मैं अपने बेटे को जूस पिलाने आ गई हूँ। तो मैंने जैसे बताया था, सुबह का एक स्ट्रगल ख़त्म हुआ ब्रेकफास्ट पिलाने का, अभी जूस पिलाने का, उसके बाद में दोपहर का खाना, उसके बाद में शाम का दूध, उसके बाद में डिनर, ये डेली लगा ही रहेगा। और मेरे हाथ पैर कांपते हैं जब भी इसको खाना खिलाने का, ये जूस पिलाने का, कुछ भी खिलाने का कुछ भी काम आता है ना, तो मैं सच्ची में मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं। तो अभी जूस पिलाना ख़त्म, अभी मैं फटाफट घर साफ़ कर लूँगी। और जैसे बताया कि आज मंडे है, तो मैं पूजा करने वाली हूँ अच्छे से शिव जी का, तो आज घर में पोछा भी लगाऊंगी। हफ्ते में मैं 3 दिन में वेज खाती हूँ, सोमवार, मंगलवार और थर्सडे को। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन कौन मेरे जैसे शिव भक्त हैं, और हर हर महादेव ज़रूर कमेंट में लिखिएगा।
यहाँ पे मैं फटाफट से घर क्लीन कर लेती हूँ। जैसे बताया बहुत ही शॉर्ट टाइम है मेरे पास, अभी भी फूल खरीदने भी जाना है और शिव जी के लिए बेलपत्र भी, पता नहीं अभी बेलपत्ता मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा लगाना ख़त्म, नहाना धोना ख़त्म, अभी जा रही हूँ मैं फटाफट बाज़ार भगवान के लिए फूल लाने के लिए। देखती हूँ लक अगर अच्छा रहे तो मुझे बेलपत्ता भी मिल जाएगा। तो बने रही आप और देखते रहिए, आप भी चले मेरे साथ में, देखिए मैं क्या। எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகப்படியா இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி சைட்னே இருக்கு துளசி ஸ்வல்ப ஸ்வல்ப துளசி ஸ்வல்ப ஃப்ரீயாக கொடுத்தா இருந்தது இதிலேயே லெக்க மாடில ஆ சரி तो फूल लेके और थोड़ा सा जो है तुलसी पत्ता भी आंटी ने मुझे फ्री में दे दिया, पर बेलपत्ता नहीं मिला मुझे। तो बाद में कुछ सूखे बेलपत्ते जो है मेरे पास हैं उन्हीं से काम चला लूँगी। तो अभी फटाफट घर जाकर पूजा कर लेती हूँ। तो अभी पूजा करना ख़त्म, अभी मैं आई मेरे बेटे के लिए खाना परोसने के लिए, उसको खाना खिलाना। अभी ऑलमोस्ट 4:15 हो रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी देर हो गई हूँ आज उसे खाना खिलाने के लिए। तो अभी जो है थर्ड स्ट्रगल दिन का वो है लंच। तो अभी आप देखते रहिए और आज मैं यहीं तक अपना जो है ब्लॉग रखूँगी, फिर मिलेंगे कल। और ज़रूर आप सबके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।